तो चारों तरफ घूम गया। अरे ला, अरे लाना। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग की आदत लग चुकी है। गुड आफ्टरनून, 3 बज रहे हैं अभी। टुडे आई विल बी गोइंग टू टेक माय बाइक फ्रॉम सर्विसिंग। आई गेव माय बाइक सर्विसिंग ऑन सैटरडे और आज है ट्यूसडे। आज जाके अभी लूँगा बाइक एंड आई थॉट कि एक व्लॉग भी बना लूँ बाइक सर्विसिंग में देने का व्लॉग, बाइक सर्विसिंग के लेने का व्लॉग। कुछ कंटेंट नहीं बचा है एंड अपना गोप्रो तैयार कर रहा हूँ। बाइक वहाँ पर है, गोप्रो लेके जाना पड़ेगा, दिन वहाँ से माउंट करके वापस लाना पड़ेगा। व्हाट एल्स दैट्स इट। ऑलराइट, सो रेडी, हेलमेट, बैग, बाइक। अच्छा, बाइक की चाबी तो वहाँ पर है। चलो, जादू। So Samir is with me and he is helping me to get my bike from servicing. So hi, bolo. Bas. Gaadi chalao tum. All right. So we are at Matunga Bridge ke niche. So we have reached here at Yamaha showroom at Lower Parel and now I'll go there, I'll pay my bill and I'll take my R1. Yo! तो वसीम भाई बताओ क्या क्या काम किया आपने इसमें। हमने गाड़ी में इंजन ऑयल चेंज किए हैं, इंजन ऑयल के साथ इसकी ऑयल फिल्टर चेंज किए हैं, इसकी एलिमेंट एयर फिल्टर चेंज किए गए, चेन को लुब्रिकेशन किया गया है और चेन क्लीनिंग किया गया है, बैकअप में टोटल बॉडी क्लीनिंग किया गया है, लेबर सर्विसिंग है और टेफ्लॉन कोटिंग किया गया है। फोकस नहीं पकड़ रहा है। तो हमने इस बाइक में काम किया है ये सारे कुछ, बट जो मेन खर्चा हुआ है हमारा वो ये है, ऑयल का ज़्यादा हुआ है और यहाँ पर एलिमेंट एयर फिल्टर का। मतलब अपना जो मेन वो प्रॉब्लम था जो स्टार्ट नहीं ले रहा था गर्म होने के बाद, आइडलिंग पे मिस हो जाता था वो थ्रोटल बॉडी से। अभी चला के देखता हूँ कैसा चल रहा है। मस्त चलना चाहिए इस बार गाड़ी। पर जब गाड़ी अच्छी चलती है ना तो ऐसा लगता है कि हाँ यार मेरे पास R1 है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि यार कहाँ ले गया, फंस गया, ऐसा हो जाता है। R1 कैसी चीज़ है मैंने, उसको आप यूजिंग डेली का करोगे तो ही बेस्ट है। आप 20 डेज रख दोगे तो बैटरी उसकी इमीडिएटली उतर जाती है, और इसकी आइडलिंग जो है हम एक्सी नहीं देना, कम से कम 50 का टेम्परेचर होने के बाद ही एक्सी देना। गुड टिप्स। ये सब रिव्यू मैं बताऊंगा जब मैं स्पेशली R1 का अलग से एक रिव्यू बनाऊंगा, जो भी प्रॉब्लम मैंने फेस किए हैं और क्या अच्छी चीज़ें, क्या प्रोज एंड कॉन्स, सब चीज़ बताएंगे रिव्यू में, अलग से रिव्यू में बताएंगे। फिलहाल के लिए गाड़ी लेते हैं और खींच सकते हैं।
इंडियन एयर फिल्टर फुल डस्ट है, जो कि हमारे इम्तियाज भाई ने इसको चेंज करके एकदम नया लगवाया है। ये ऑटोमेटिकली फास्ट है 51 डिग्री के बाद ही। हैविंग वड़ा पाव, सॉरी भजी पाव। सो अगेन सेम प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, गाड़ी जब 100 डिग्री तक गर्म हो जाती है तो नो स्टार्ट करते तो स्टार्ट कर। लास्ट टाइम जब ये प्रॉब्लम आई थी तो वी हैव क्लीन द थ्रोटल बॉडी, उसके बाद ये अच्छी हो गई थी, ठीक से चलने लगी थी, बट इस टाइम भी थ्रोटल बॉडी क्लीन किया। इस बार स्टार्ट होना चाहिए था लेकिन इस बार भी स्टार्ट नहीं हो रहा। सो कहीं बंद कर रहे इम्तियाज भाई बाइक खोल रहे वापस से। और कितना टाइम लगेगा भाई? या मैं इम्तियाज भाई बता सकते, बताओ सर। जाएंगा भाई 2 घंटा। ओ माय गॉड, चलो घर पे। हम घर जाके आते हैं। तो यहाँ चेहरे को कुछ लगाया आराम पे 6-6 घंटा बैठा है मैंने, एक दो घंटा भी नहीं रास्ते पे। अपनी जर्नी कितनी है? कोलाड़ी 18 घंटे की जर्नी थी, बीच बीच में कट कट मार के जा रहे घंटे नहीं 12 घंटे। तो दिस इज हाउ इट लुक्स व्हेन इट ओपन्स। एक बार स्क्रैच लग गया लाल वाला ना, लाल मार्कर ले गया, लाइन खींच गया, हो गया दिखा दो। इधर शो मी अपना एयर फिल्टर। ये है टोटल बॉडी, टोटल इसके अंदर इंजेक्टर है, छेच यहाँ पे इंजेक्टर 1, 2, 3, 4 और 4 इंजेक्टर नीचे, टोटल 8 इंजेक्टर। अब ये साइड पकड़िए, एक बार वापस टोटल बॉडी मारते स्प्रे, देखते हैं क्या नहीं। ये भी पकड़ना, ये भी। बैठ गया अब। It is not going to start. बैटरी एक यहाँ कुछ आवाज आया, वही वही रिले ही है ना उसका बैटरी। ओके गाइज, आज हमारी बाइक हमें नहीं मिलेगी, कुछ काम और बचा है, तो दे सेड टू कम टुमारो, सो आई विल कम टुमारो एंड आई विल पिक माई बाइक, होपफुली टुमारो मेरी बाइक बन जाए। सो सी यू टुमारो, कल मिलता है। ऑलराइट गाइज, इट हैज़ बीन 2 डेज जब हम अपनी बाइक लेने के लिए गए थे, दैट वॉज ट्यूजडे, नाउ इट्स थर्सडे। सो उन्होंने कहा कि सारी बाइक वाइक सब बन गया, ठीक है, एकदम रेडी है। So let's go and collect the bike from service center. So I'm here at Kamla Yamaha showroom, which is in Lower Parel. My bike is there. So I'm waiting for Imtiaz. So whenever he come, you know, uske baad baat karke, I'll take my bike and I'll go. Meanwhile, I'll have chai. Bhai sab chai do na. So when I vlog, everybody is looking at me. That's cool enough. अरे मत दो मत दो, चाय आ गया। चाय है? चाय भी है? मैं चाय ला रहा था अभी, मैं आपके लिए पानी लाइए।
तू भी लेगा? समय से चाय लोगे आप? नहीं लो, काला हो जाएगा। सो आई विल हैव चाय एंड आई विल वेट फॉर इम्तियाज भाई। गॉट माय बाइक, बाइक इज परफेक्ट नाउ। सो मैं GoPro लाया था। ये शूट करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने SD कार्ड लाया नहीं, तो यू कैन सी इफ़ यू कैन। तो अभी मैं बाइक के शॉट्स नहीं ले पाऊँगा, सो आई विल सी यू डायरेक्टली एट माय प्लेस, माय होम, एंड आई विल टेल यू डिटेल अबाउट माय बाइक ओवर देयर। थैंक यू इम्तियाज भाई, गाड़ी आपने बनाया, होपफुली अच्छे से चलेगी। चलो चारों तरफ घूम गया। अरे लाना। ऑलराइट, सो व्हेन आई गेव माय बाइक टू सर्विस, टू मेजर प्रॉब्लम आ गया। पहला जो प्रॉब्लम था, गाड़ी का एडलिंग ठीक से हो नहीं रहा था, एंड द सेकंड प्रॉब्लम वाज द बैटरी। ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम वाज क्लियर्ड, फिक्स्ड हो चुका है, बट द सेकंड प्रॉब्लम ऑफ बैटरी अभी तक हुआ नहीं है। व्हेन आई वाज कमिंग फ्रॉम सर्विस सेंटर, आते आते मैं पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप पे रुका। वहां पर गाड़ी लगभग 105-110 डिग्री टेम्परेचर तक चले गया था, एंड उसके बाद फिर मैं स्टार्ट कर रहा था, स्टार्ट हो नहीं रहा था। तो आई कॉल्ड इम्तियाज, सो इम्तियाज वहां पर आया एंड ही गेव मी वन सॉल्यूशन व्हिच इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर दोज पीपल हु राइड्स स्पोर्ट्स बाइक। स्पोर्ट्स बाइक का यही प्रॉब्लम है, सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है बैटरी की। बिकॉज क्या होता है कि स्पोर्ट्स बाइक का जो हेडलाइट होता है वो डायरेक्टली हम जब स्टार्ट करते हैं तो हेडलाइट से कनेक्टेड होता है, तो जब हेडलाइट ऑन होता है तो उसका पूरा का पूरा जो पावर है ड्रेन हो जाता है बैटरी में, और बैटरी का पावर ज़्यादा नहीं होता। तो आई कैनॉट टेल यू दैट सोल्यूशन इन दिस व्लॉग। सो वट आई डू, I'll make a separate video. In that video, I'm gonna review my bike. That's it, guys. Ab bas itna hi. Thank you for watching this video, guys. If you like the video, then please hit the thumbs up button. If you don't like the video, then dislike it. No problem. If you want to ask anything, then comment down below and subscribe. And क्या बोलूँ यार, कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। Last video में भी मैंने कहा कि मैं एक last में कुछ बनाऊँगा। कुछ तो यार, ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल वर्क ऑन इट एंड बाय बाय, टेक केयर। शबक है, रात का टाइम हो चुका है, बाय बाय।